If you are new to the channel, please subscribe and press bell icon for all the notifications. A very good evening guys, this is Ashutosh and welcome to my YouTube channel The Biker AK. आज थोड़ा फास्ट बोलूंगा मैं क्योंकि थोड़ा हड़बड़ी में हूँ. रात के 9 बजने हैं, 9:30 हो चुके हैं. 9:30 फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो. ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बना रहे हो, मैं बहुत खुश. एक रीजन होगा, आप लोग जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, चैनल पे बने हुए हैं, तो उन्हें पता चल गया होगा कि मेरी खुशी का कारण क्या है. थैंक यू, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोग के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ. तो चलिए आज फटाफट वीडियो को थोड़ी शॉर्ट भी रखेंगे, वीडियो को लंबी कोशिश करेंगे लंबी ना हो. चलिए मैं जल्दी जल्दी आता हूँ पॉइंट नंबर 2. मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया था कि राइट कहाँ की करूं मैं, पॉन्डिचेरी या मैंगलोर, एंड 92% लोगों ने कहा पॉन्डिचेरी. बट गाइस अब पॉन्डिचेरी ट्रिप नहीं हो पाएगी इस समय फिलहाल कुछ महीने तक. कैंसिल करने का रीजन क्या था, टेम्परेचर काफी गर्मी है, 35-40 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है पॉन्डिचेरी में, एंड बीचेस पे जाना और इतनी धूप में गर्मी में आई डोंट थिंक सही होगा आपके लिए. मैं ज्यादा कंटेंट भी नहीं ले पाऊंगा और मैं बाहर गया दो दिन रुका तो तबीयत भी खराब हो सकती है, एंड सो ज्यादा कंटेंट भी नहीं हो पाएगा. और अगर मैं इवनिंग में निकलता हूँ तो ज्यादा कुछ कवर नहीं कर सकता, शॉर्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं हो सकते, एंड मैं नाइट में वैसे भी प्रीफर नहीं करता हूँ ज्यादा. सेफ्टी सिक्योरिटी मुझे बहुत कुछ देखना पड़ता है, अकेले मैं ट्रेवल नहीं करता हूँ, विद वाइफ ट्रेवल करता हूँ फैमिली के साथ, तो समझ सकते हो बहुत कुछ देखना पड़ता है. इसलिए मैं पॉन्डिचेरी ट्रिप कैंसिल कर रहा हूँ. तो मैं ट्रेवल कहाँ कर रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ कर्नाटका में ही, वेस्टर्न साइड में ही. लास्ट ट्रिप आप लोगों ने देखा एयरकोट हिल स्टेशन, तो मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं था टेम्परेचर की वजह से. तो उम्मीद है ये वाले जो प्लेस में जाऊँगा थोड़ा सा ठंडा होगा और इट विल बी बेटर. प्लेस कौन सा है, प्लेस मैं सीक्रेट रख रहा हूँ, प्लेस आपको नहीं बता सकता, ये कल राइड पे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा. तो रूट की बात करें तो यहाँ से 260 किलोमीटर है, वेस्टर्न साइड में जाना है मुझे, कर्नाटका से बेंगलोर से, सॉरी बेंगलोर से वेस्टर्न साइड में जाना है, कर्नाटका में ही पड़ता है. एंड रूट जो है 260 किलोमीटर, 4-6 लेन की रोड होगी, 6-7 आवर्स लगेंगे, 5-6 आवर्स लगते हैं, बट मुझे 7 घंटे लग सकते हैं बिकॉज मैं ब्लॉग बनाते हुए आपको कि अच्छा शॉट लेते लेते जाऊंगा, इसलिए टाइम लग जाएगा. एंड बारिश की बात करें, वेदर की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है बारिश, आई डोंट थिंक सो. मैंने वेदर फॉरकास्ट देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, थंडरस्टॉर्म बारिश ऐसा कुछ भी नहीं है. तो थैंक गॉड अगर हम लोग अच्छे से पहुंच जाते हैं, कोई बारिश में भीगते नहीं है तो अच्छा रहेगा. होटल बुकिंग मैंने कर ली है, 3 नाइट्स स्टे करने वाला हूँ. मैं होटल का नाम भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, होटल का नाम एंड लोकेशन मैं लास्ट में शेयर करूंगा आपसे, क्योंकि पहले जब अगर मैंने शेयर किया तो शायद मुझे कोई पहले सरप्राइज कर देगा, राइट. मैं आप लोग को क्या सरप्राइज करूंगा. फिलहाल मैंने 3 दिन की बुकिंग की है तो उसका कॉस्ट अराउंड 9200 मुझे पड़ा. तो चलिए आइए आते हैं बाइक पे. तो बाइक के लिए आज मैंने क्या किया, सबसे पहले बाइक के लिए बाइक को वॉश कराया. बाइक को ट्यून अप कराना था एयरपोर्ट ट्रिप के बाद. आज एक लॉन्ग ट्रिप पे निकल रहा हूँ, ऐसा शहर में छोटा मोटा आसपास थोड़ा बहुत गया था, बट दैट इज बाइक की परफॉर्मेंस सही थी, बट मुझे एक बार चेक करा लिया, ऑयलिंग करा लिया चेन में, एयर फिल्टर एंड सारे लाइट्स हैं. तो बाइक वॉश में कितना लगा, 250 रुपीज लगा, एंड होटल का मैंने बता दिया राइट, 9240 समथिंग रुपीज लगा. तो ये हो गया, एंड उसके बाद मैं निकला वॉश कराने के बाद. पेट्रोल कितना लिया मैं, 5 लीटर पेट्रोल लिया. क्या मस्त फिगर है, 555 अच्छा नंबर था. पेट्रोल का दाम भी आप देख रहे हो 111.11 रुपीस पर लीटर था, आज काफी कॉस्टली हो गया है. चलिए ऐड करते चलते हैं. होटल का पहला मुझे लगा 9200 समथिंग, देन 250 रुपीस वॉश का लगा, बाइक वॉश का, एंड 5 लीटर पेट्रोल, 555.55, 3 हो गए नंबर्स. एंड उसके बाद बात करते हैं हम लोग लगेज की. तो मैं क्या लगेज कैरी कर रहा हूँ, टॉप बॉक्स कैरी करूंगा, एंड उसके बाद ये टैंक बैग जो कि आपको पता ही होगा मैग्नेट से ये बाइक पे लग जाता है, एंड पीछे वाला बैग सैडल बैग, ये सैडल बैग है, ये पेयर्स में होता है, ऐसे लग जाता है ये सीट के ऊपर से होता हुआ, तो बाइक पे कुछ ऐसा दिखेगा. मैं ऊटी ट्रिप का स्नैप शेयर करता हूँ आपसे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लानिंग, लाइक क्या क्या हम लोग करते हैं राइड के पहले, बाइकर्स जनरली क्या क्या पैक करते हैं, क्या क्या कैरी करते हैं. एंड आई विल कैरी माई लैपटॉप दिस टाइम, एंड मैं कोशिश करूंगा कि एडिट कर करके आपको वीडियोज देता रहूँ रोज इवनिंग में, नाइट में 2-4 घंटे एडिट करके. तो पूरी तरीके से मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल होने वाला हूँ इस बार, ट्राई करने वाला हूँ कि रेगुलर ब्लॉग्स आपको दे पाऊँ, क्योंकि ट्रिप के बाद देना
थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो मैं राइड स्टार्ट करूंगा अर्ली मॉर्निंग 5 AM एंड बाय 12 o'clock मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सो विश मी हैप्पी जर्नी एंड मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में बाइक पे एज ए कैमरे पे बात करते हुए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। अगर आप चैनल पे पुराने हो तो लाइक करो, फ्रेंड्स का शेयर करो, फीडबैक दो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू। एंड ब्लॉग्स में आप बने रहो ताकि आपको रेगुलर सारी एक एक चीज़ डिटेल में मिलती रहे इन्फॉर्मेशन की। राइड जब ट्रैवल करते हैं तो सबसे बड़ा हॉट क्वेश्चन कहते हैं हॉट टॉपिक या सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है राइड में पैसे कितने लगे, ये बहुत लोगों ने पूछा है। एंड इवन अगर आप राइड में आप ब्लॉग्स में बने रहो तो डिटेल में आपको एक एक चीज इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, पैसे कितने खर्च हुए, पेट्रोल कितना खर्च हुआ, कितने ब्रेक्स मैंने लिए, क्या खाया, कहाँ रुका, राइट सब कुछ जानने के लिए आप ब्लॉग्स में बने रहना पड़ेगा। आप ब्लॉग्स में बने रहो तो आपको एक एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलेगी। सो गाइस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय।